पंचकुला की मतदाता सूचियों में खामियों के मुद्दे को लेकर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता शुक्रवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल के पास पहुंच गए। विस अध्यक्ष ने 27 जुलाई को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे गए पत्र की प्रति और मतदाता सूचियों की त्रुटियां दर्शाने वाले सर्वे दस्तावेज स्पुर्द किए। इस दौरान उन्होंने इन त्रुटियों को लेकर विस्तार से बात भी की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में बड़ी संख्या में मृतकों और निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर जा चुके व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। कुछ मतदाताओं के वोट एक से अधिक स्थानों पर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश जारी कर मतदाता सूचियों को अपडेट करवाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, इन सूचियों में जिस प्रकार की गड़बड़ियां हैं उससे लगता है कि ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकती है। गुप्ता ने कहा कि चंडी मंदिर छावनी क्षेत्र के मतदाताओं के लिए करीब 6 किलोमीटर दूर सेक्टर 6 स्थित स्कूल में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। इस दूरी के कारण लोकसभा चुनाव में यहां मात्र 11% मतदान हुआ था। इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि चंडी मंदिर छावनी में अलग से मतदान केंद्र स्थापित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पंचकुला के सेक्टर 20 स्थित बूथ नंबर 48 में कुल 1376 मतदाताओं में से 38 मृत पाए गए हैं और 257 मतदाता पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं। सर्वे में पाया गया है कि जो मतदाता पड़ोसी राज्यों में स्थानांतरित हो गए थे उन्होंने पंचकुला में भी वोट डाला है। उन्होंने आशंका जताई कि हरियाणा विधानसभा के आगामी चुनावों में दूसरे राज्यों के मतदाता परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी।